उत्तराखंड में केदारनाथ आपदा को आज 7 साल पूरे हो चुके हैं। साल 2013 में केदार घाटी में आई आपदा से हर ओर तबाही का मंजर देखने को मिला था। हादसे में करीब 4,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। साल 2013 में आई केदारनाथ आपदा को भला कौन भूल सकता है। 16 और 17 जून को केदार घाटी में ऐसी तबाही आई जिससे केदार घाटी आज 7 साल तक उभर नहीं पाई है। यहां आज भी तबाही के निशान देखे जा सकते हैं। साल 2013 में केदार घाटी के लोगों को एक नहीं दो दो आपदाओं का सामना करना पड़ा था। पहली आपदा 16 जून की रात आई जब भूस्खलन की वजह से केदारनाथ के ऊपरी हिस्से में बनी झील टूट गई। इस आपदा में पूरा रामबाड़ा तबाह हो गया था। 17 जून को चौराबाड़ी ताल टूट गया जिससे केदारनाथ ही नहीं आसपास के इलाके में भी भारी तबाही मची। 4,000 से ज्यादा लोग मारे गए या लापता हुए। 2,000 से ज्यादा भवन तबाह हो गए। सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर 90,000 से ज्यादा लोगों को बचाया था, जबकि उत्तराखंड पुलिस ने 30,000 से ज्यादा लोगों को बचाया था। सैलाब में 1,309 हेक्टेयर कृषि भूमि बह गई थी, लेकिन अब इस आपदा की जख्म सरकारी राहत और स्थानीय लोगों की मेहनत के दम पर भर रहे हैं। बाबा केदारनाथ का धाम नया रूप धारण कर चुका है। केदारनाथ कुछ सवर चुका है, कुछ सवरना बाकी है। सत्ता की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों पर फोकस किया और प्रधानमंत्री मोदी ने चार धाम को लेकर सपनों को उड़ान दी। चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य तेजी से आगे बढ़ा। इन दोनों प्रोजेक्टों के पूरा होने से पहाड़ की आर्थिकी में नया बदलाव होगा। बाबा केदार के भक्त प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ धाम का पुराना स्वरूप लौटाने के साथ उसे दिव्य और भव्य बनाने के लिए व्यक्तिगत दिलचस्पी ले रहे हैं। पुनर्निर्माण कार्यों पर उनकी सीधी नजर है। इसी का परिणाम ये है कि राज्य सरकार के लिए केदारनाथ के पुनर्निर्माण सर्वोच्च प्राथमिकता का प्रोजेक्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट R90V, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।